छोटे बच्चे की पोटी वाली जगह लाल क्यों हो जाती है, ये देखिए कितनी लाल हो गई है पोटी वाली जगह। इसे दो कारण है, एक तो ये सिंथेटिक डायपर यूज़ ना करें, इनके बदले में ऐसे ऐसे कॉटन के डायपर यूज़ करें, ये 444 डायपर कहते हैं इनको, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये लगभग 1.25 मीटर का कपड़ा है, आप ऐसे 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 ले सकते हैं। इससे बच्चा को बड़ा दर्द होता है, रोता है, तो ये कॉटन के डायपर यूज़ कर लें। दूसरा, मदर की डाइट में जब तक बच्चा दूध पी रहा है माँ का, तो भारी चीज़ ज़्यादा ना हो, जिससे हैवी प्रोटीन डाइट से गैस ज़्यादा बनती है, फिर उसमें प्रोटीन की क्वालिटी ख़राब होती है। उड़द, राजमा, सफ़ेद छोले, पनीर मटर ज़्यादा ना हो, चाय, पराठा, अचार, तली चीज़ ज़्यादा ना हो, बाजार की चीज़ ना खाए मम्मी, मम्मी हरी सब्जी, खिचड़ी, दलिया, रोटी, दाल, सिंपल खाना खाए, पंजीरी लेते रहे, पंजीरी से कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे अगर ध्यान रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर रैशेज हो ही गए हैं तो उसमें ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, वो मैं ऑइंटमेंट दिखा देता हूँ अभी, ये ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, लेकिन कारण ठीक करना होगा। जो बच्चे को हर बार दूध पिला के डकार भी अच्छी तरह से दिलाएं, जिससे कि पेट में गैस ना रहे।